वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको सैयद शाहिद हामिद के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे आईएसआई के बानी हैं और वो बहुत ही ज़हीन और पढ़े लिखे आदमी थे और बहुत शरीफुल इंसान थे। उनका पूरा नाम था सैयद शाहिद हामिद। वो लखनऊ में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड पाकिस्तान में, और सितंबर 1910 में वो पैदा हुए थे। उसके बाद वहाँ पर उनके वालिद ने उनको आला तालीम दिलवाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद वो फ़ौज में सिलेक्ट हो गए और वो फिर सैंडर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर वो वहाँ फिर सर्विस करते रहे। फिर उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो फिर पाकिस्तान को उनके वालदैन ने ऑप्ट किया, फिर वो पाकिस्तान आ गए। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जब वो आए तो फिर 1948 में जब ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान फ़ौज को भी एक इंटेलिजेंस अदारे की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस वक्त इस अदारे की बुनियाद डाली। बेसिकली ये उस वक्त बहुत छोटे सा एक अदारा बनाया इन्होंने, लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस वक्त और वो इसके हेड हुए उस वक्त। तो वो फिर उन्होंने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और एक इंटेलिजेंस जो होता है, क्या कहते हैं, वो कराची में उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी उस वक्त, और उसकी सर्विस को दो हिस्सों में बाद में उन्होंने तकसीम किया। एक हिस्से का नाम उन्होंने रखा था इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि अंदरूनी मामला देख रहा था, और दूसरा हिस्सा उन्होंने आईएसआई का किया, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बनी और मशहूर, दुनिया की बेहतरीन बनी, और फाउंडर चीफ ऑफ आईएसआई ये बने और इसको इन्होंने बहुत आले पैमाने पर डेवलप किया। और उसके बाद जो आज भी यह है, जो हम देख रहे हैं, वो बहुत ही इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। और जबकि उन्होंने इसको रेज जब किया था उस वक्त कुछ भी नहीं था, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है 1965 वार में बहुत ही अच्छी रही थी और बहुत खूबसूरत, बहुत ही कारामद रही थी, जिसकी वजह से हमें जंग जीतने में मदद भी मिली थी। और जो कि 1965 की वार में हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और जीती थी, और वो एक बहुत ही बहादुर आदमी और बहुत ही तेज़ आदमी थे, बहुत तेज़ अफसर थे। वो तमाम दुनिया के सीक्रेट्स को जानते थे, और फिर वो इतने थे कि एक ट्रू सिपाही और एक बहुत ही सच्चे प्रैक्टिकल मुसलमान थे, और वो बहुत ही खुश अखलाक और बहुत ही दरिया दिल आदमी थे, माशाल्लाह।